दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे भी कुछ इस तरीके से बिल्कुल काली एक परत सी पड़ गई है झाइयों की, ना कि सिर्फ चीक्स पे, बहुत लोगों के मैंने देखा है फोरहेड पे, नाक पे और बहुत सारे जगह पे झाइयाँ पड़ जाती हैं। इस तरीके से छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं, जो मिलाज़मा होता है, जिनको मिलाज़मा कहते हैं, वो हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, एक तरफ से चेहरा आधा बिल्कुल काला सा पड़ जाता है, क्योंकि हमें भी ठंडियाँ हैं तो धूप में भी बहुत ज़्यादा बैठना हो जाता है, और कई कई बार जो झाइयाँ होती है हमारे फेस पे धूप की वजह से भी आ जाती हैं। तो आज मैं 100% जो है बिल्कुल घरेलू तरीका लेके आई हूँ, सबसे पहली बात तो, और दूसरी बात ये है कि ये जो तरीका है मैं खुद अपने ऊपर यूज़ करती हूँ, ये 100% बिल्कुल वर्क करने वाला तरीका है। आज की जो वीडियो है प्लीज़ उसकी क्वालिटी पे मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आज मैंने स्पेशली यूट्यूब के लिए नहीं शूट करी है, ये वीडियो मैं जस्ट अपना स्किन केयर कर रही थी और काफ़ी दिनों से मुझे ये रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही बना दूं वीडियो। तो मैंने कोई भी मतलब तरीका वीडियो यूट्यूब के लिए नहीं किया है, जस्ट मैंने अपने ऊपर कर रही थी और मैंने दिखा दिया। तो दो स्टेप में इसका करना है, सबसे पहले तो ये टमाटर हमें ले लेना है, और टमाटर थोड़ा सा खट्टा वाला हो तो बहुत अच्छा है। इसमें हम थोड़ा सा चावल का जो आटा है वो फिल कर देंगे। दोस्तों, टमाटर में जो है ना एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है, चेहरे की झुर्रियाँ, टैनिंग स्पॉट्स, ये उनको रिमूव करता है, ये जो चेहरे की जो डेड सेल्स होती हैं ना उनको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप जब भी आपको मौका मिले तो इस तरीके से आप टमाटर का आधा पीस ले लें और अपने चेहरे पर रगड़ लें, यकीन मानिए कि कोई भी महंगी से महंगी क्रीम वो इलाज नहीं कर पाएगी जो कि ये टमाटर कर पाएगा। टमाटर में लाइकोपिन नामक एक एसिड पाया जाता है, जो कि बड़ी से बड़ी जो फेयरनेस क्रीम आती हैं उनमें यूज़ किया जाता है, और ये जो आपकी स्किन है ना उनको बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप यूज़ करने के बाद फ़र्क, जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो ये है चावल का आटा, यानी कि पार्ट टू, ये स्टेप टू इसको बोल सकते हैं। इसमें हम मिलाएंगे दूध। अब आप इसमें तीन चीज़ मिला सकते हैं, दूध मिला सकते हैं, दही मिला सकते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है शहद। अभी शहद मेरे पास नहीं थी तो मैंने दूध मिला के लगा लिया था, जो कि दूध भी अच्छा होता है और मेरी स्किन ड्राई है तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। और आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद इसको आप अपने चेहरे पे लगाइए, और उसके बाद इसको मसाज नहीं करना है, इसको बहुत एक मोटी सी परत लगा के छोड़ दीजिए आप, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। उसके बाद आप इसको धुल दीजिए, फेस वॉश कर दीजिए, और फेस वॉश करने के बाद कोई भी, जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, आप मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। वैसे तो इसमें मॉइस्चराइज़र है क्योंकि मैंने मिल्क ऐड किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप मॉइस्चराइज़ कर लेना, और हो सके तो किसी भी फेस वॉश से फेस वॉश करना और उसके बाद मॉइस्चराइज़र ऐड कर लेना, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपकी स्किन जो है ना बहुत स्मूथ लगेगी। और ये जो प्रोसेस है आपको हफ्ते में दो बार करना है और लगभग एक डेढ़ महीना तक करना है, उसके बाद आप डिफरेंस ज़रूर देख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, स्पेशली जिनको ये झाइयों की प्रॉब्लम होगी उनको ज़रूर शेयर करना, हो सकता है उनको थोड़ा सा काम आ जाए। और कोई रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।